मॉर्निंग सर, वेलकम टू द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके क्लास 6 के सब्जेक्ट मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो अपना चल रहा था रनिंग का नंबर्स, ठीक है, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने एक्सरसाइज करवा दी थी आपको, लास्ट एक्सरसाइज जो अपनी पूरी हुई थी, ठीक है, 1B, उसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है अपन वो कर रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लार्ज नंबर एंड प्रैक्टिस, ठीक है। लार्ज नंबर एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है कि अपने को बड़े नंबर में बनाना है तो अपन कैसे करेंगे, उसके लिए अपने पहले किसका नॉलेज होना चाहिए यूनिट्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से यूनिट्स जो है मैथ्स के अंदर ज्यादा जिसका काम में आती है क्वेश्चन के अंदर, एक तो यूनिट्स ऑफ लेंथ, दूसरा यूनिट ऑफ मास और तीसरा यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी लंबाई की जो यूनिट्स है इकाई है वो क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन 1 सेंटीमीटर से। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। आपकी जो स्केल आती है 15 सेंटीमीटर की, उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर के गैप दिए होते हैं, उसके अंदर 10 छोटे छोटे अलग गैप्स भी दिए होते हैं, ठीक है। वो जो गैप होते हैं वो किसके होते हैं, मिलीमीटर के होते हैं, ठीक है। ऐसे 10 मिलीमीटर के जो गैप होते हैं वो 1 सेंटीमीटर में इतना सा डिस्टेंस बनाते हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की आपकी छोटी स्केल आती है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 10 मिलीमीटर। 1 मीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद में इससे बड़ी यूनिट, ये इससे बड़ी यूनिट और इससे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, किलोमीटर, ठीक है। मतलब बिल्कुल छोटी दूरियां जो है अपन इसका मिलीमीटर या सेंटीमीटर में निकालते हैं, उससे थोड़ी बड़ी दूरी होती है तो मीटर में करीब इतना 3 फुट से प्लस चलता है, ठीक है। उससे भी बड़ी जो अगर यूनिट देखनी है डिस्टेंस की, ठीक है, तो वो क्या होती है, किलोमीटर होती है, ठीक है। जैसे आप दो शहरों के बीच की दूरियां हैं, ठीक है, या कोई दो प्लेसेस के बीच की है, तो वो अपन किसमें निकालते हैं, किलोमीटर में निकालते हैं। तो 1 किलोमीटर जो है आपको किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी 1000 मीटर जो होंगे वो 1 किलोमीटर बन जाएंगे, ठीक है। और इसी देखिए इसकी जो कंपेरिजन हम क्या है, 1 मीटर जो है, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100 सेंटीमीटर थे, ठीक है। और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितने का है, 10 मिलीमीटर का है, तो 100 सेंटीमीटर कितने का हो जाएंगे, 100 × 10, ठीक है, 100 × 10 हो जाएगा, तो 100 × 10 हो गया कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 मीटर आपका जो है वो 100 सेंटीमीटर भी है और 1000 मिलीमीटर भी है, ठीक है। उसके बाद में किलोमीटर के कंपेरिजन अगर देखते हैं तो किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर जब हम चलते हैं पूरे 1 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो एक हमें पता है कि एक जो मीटर था, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर का था, 100 सेंटीमीटर का, तो आपके 1000 जो मीटर होंगे वो कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे, 1000 × 100 करेंगे, 1000 × 100 करने के पास में हमें क्या आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल आपके सेंटीमीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में देखना है तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है, 1000 × 100, ठीक है। उसके बाद में किलोमीटर को अगर मिलीमीटर में निकालना है तो हम देखेंगे भाई यहाँ पे कितने सेंटीमीटर हो गए थे, 1 लाख सेंटीमीटर। डायरेक्टली अगर करेंगे तो 1000 मीटर आएगा, फिर 1000 मीटर इनटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, वो आपके कितना आ जाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर 1 लाख सेंटीमीटर के बाद में हम क्या करना है, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो इनटू 10 करेंगे, 1 लाख × 10 होकर कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। यानी 10 लाख 10 लाख मिलीमीटर बन जाते हैं इसमें 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक है। उसके बाद में आता है यूनिट्स ऑफ मास, यूनिट्स ऑफ मास में क्या हो जाएगा, स्टार्ट करते हैं जैसे ग्राम से, ठीक है। अपन ग्राम में देखते हैं जो छोटी कम वेट की वस्तु होती है वो ग्राम में तोली जाती है, ठीक है, ये तोली की मात्रा होती है और ये लंबाई की, ठीक है, मास। उसके बाद 1 ग्राम में देखिए, 1 ग्राम होता है अपना 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है, ठीक है, कितना, 1000 मिलीग्राम, ठीक है, इसके बराबर होता है। और 1 किलोग्राम जो होगा वो आपके कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम जो होते हैं, ठीक है, तो पूरा कितना हो जाता है, 1 किलोग्राम हो जाता है, ठीक है। अब 1 किलोग्राम को अगर अपने मिलीग्राम में निकालना है तो हम देखेंगे कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने थे, वही आपको यहाँ से आ जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है। फिर ये जो 1000 ग्राम हमने देखा 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम है, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 × 1000 हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख, यानी 10 लाख मिलीग्राम हो जाएगा आपके 1 किलोग्राम के अंदर, ठीक है। ये कंपेरिजन हो गया ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम के, ठीक है। उसके बाद इसी जो है आपकी यूनिट जो दी है उसके हिसाब से यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी यानी वॉल्यूम का जो होता है, आयतन निकालना किसी चीज की क्षमता, भराव क्षमता कितनी है वो निकालने के लिए क्या इनको देखते हैं, यूनिट्स जो होती है कैपेसिटी की उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जैसे 1 लीटर का आता है, आप जिसे भी बोला कहते हैं, ठीक है, जो दूध के पैक्स वगैरह आते हैं वो कहते हैं 2 लीटर्स में रहते हैं, ठीक है। वो जो लीटर होता है किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। उसमें हम कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, जैसे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, वैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है,
ठीक है, मतलब एक किलो और एक लीटर में थोड़ा सा डिविजन होता है, ठीक है, 905 ग्राम ऐसा कुछ करके एक लीटर के आसपास बनता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक किलो लीटर की बात करें, किलो वर्ड हमेशा 1000 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जैसे किलोमीटर है, किलोग्राम है, तो हमेशा वहां पे 1000 आ जाएगा, यहाँ 1000 आ गया था, यहाँ पे 1 किलोमीटर में भी 1000 आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1000 लीटर हो जाएगा, यानी 1000 लीटर अगर कोई चीज होगी पानी या कोई भी लिक्विड, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 किलोलीटर कहलाएगा, 1 किलोलीटर कहलाएगा, ठीक है। जो आपके पानी के टैंकर या टंकियां होती है, ठीक है, वो इसमें किलोलीटर में होती है, जैसे 1000 लीटर, 2000 लीटर, 5000 लीटर ऐसे, ठीक है। उसके बाद में 1 किलोलीटर जो है उसको अगर हम कंपेयर करते हैं मिलीलीटर के अंदर, तो हमें पता है कि जो 1 किलोलीटर था वो 1000 लीटर था, और हमें पता है 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर है, तो यहाँ पे 1000 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 1000 × 1000 मिलीलीटर हो जाएंगे, तो 1000 × 1000 जो है 10 लाख हो जाएगा, ठीक है, 10 लाख मिलीलीटर हो जाएगा इसमें 1 किलोलीटर, ठीक है। ये जो बेसिक कंपेरिजन दिए हुए थे आपको लास्ट क्लास में प्रैक्टिस के अंदर, यूनिट ऑफ मैथ, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है, जो कि बुक में सॉल्व है, तो एग्जांपल आप होमवर्क के अंदर ट्राई कर सकते हैं, इसको देख के पढ़ के, क्योंकि आंसर इसी के अंदर दिए हैं, ठीक है, तो आप देखोगे अगर ढंग से तो ये आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज 1C है वो अपन नेक्स्ट क्लास में